वायरल या फंगल निमोनिया है जो अनकॉमन है, तो हो सकता है इसमें फिर बढ़े, लेकिन कॉमनेस्ट चीज जो है वो है न्यूट्रोफिल इंक्रीज होना। तो ये जो ब्लड में WBC है, न्यूट्रोफिल है, वो यहाँ बढ़े मिलेंगे, और CBC में अगर आप जब कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो CBC में ब्लड काउंट बढ़ा मिलेगा। दूसरी चीज, आपको लगा कि ब्लड काउंट बढ़ा है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा है, तो ये इसको इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन टीबी, एक्यूट टीबी तो नहीं है, या निमोनिया है, या हो सकता है आपके यहाँ एडमिट हो और आप एंटीबायोटिक्स यूज करा रहे हो और एंटीबायोटिक उस पर असर ना कर रहे हो। तो जब एंटीबायोटिक असर नहीं करती है तो हमारा स्टेप होता है ये कि हम कन्फर्म पहचाने कि एंटीबायोटिक कौन सी है, सॉरी बैक्टीरिया कौन सा है, तो उसके खिलाफ हम लोग दवा चलाएं। इन इन सब चीज़ों को कि बैक्टीरिया कौन सा है, कहीं टीबी तो नहीं है इसको, या हो सकता है टीबी रहा हो लेकिन निमोनिया भी डेवलप कर गया हो बाद में, क्योंकि टीबी क्या है, टीबी इन्फेक्शन है, और वही इन्फेक्शन वही बैक्टीरिया अगर एल्वियोला में आइटिस करा दे तो निमोनिया हो गया, निमोनाइटिस हो गया। तो अगर ऐसे कंडीशन है तो जरूरी क्या होता है कि यहाँ जो ये प्लाज्मा भरा है, ये जो प्लाज्मा भरा है इसको निकाल लिया जाए थोड़ा सा और एक स्लाइड पर ले लिया जाए। इसको निकाल कर एक डब्बे में रख देते हैं, एक डब्बे में पेशेंट दे देता है, स्पुटम बोतल में, और ये लैब चला जाता है, और फिर इसके साथ पहले तो ग्राम स्टेनिंग होता है स्पुटम का, स्पुटम टेस्ट आप कराओगे इसका निमोनिया वाले का, इसमें ग्राम स्टेनिंग होगा जी जी बताइए। आरबीसी, वन मिनट, आरबीसी या तो नॉर्मल रहेगा या डिक्रीज रहेगा, हो सकता है इतना ब्लीडिंग हो सक, इतना ब्लीडिंग नहीं होगा कि उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, लेकिन या तो नॉर्मल रहेगा या डिक्रीज रहेगा, लेकिन आरबीसी पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, इतना कुछ नहीं होता है कि उसका आरबीसी कम हो जाएगा, अगर निमोनिया की वजह से तो फिलहाल नहीं। लेकिन अब ये है कि अब उसको अगर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी ही रहे और बोन को ऑक्सीजन ना मिले और बाकी आरबीसी सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो धीरे धीरे किडनी को ऑक्सीजन ना मिले जो हीमोपोएटिक हार्मोन की सिक्रेट करता है, तो वो लोग इफेक्ट करेंगे और निमोनिया होने की वजह से धीरे धीरे एनीमिया में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी सेल काम नहीं करेगा अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। और आरबीसी प्रोडक्शन एक फंक्शन है किसका, एक पूरे मल्टीपल ऑर्गन के मिलने से, तो डाउन जाएगा, लेकिन फिलहाल तुरंत की डायग्नोसिस में आरबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। स्पुटम टेस्ट में ग्राम स्टेनिंग होगा, ग्राम स्टेनिंग आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ग्राम स्टेनिंग क्या है। ग्राम स्टेनिंग इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव पता लगाया जाता है, और कैसे करते हैं, स्लाइड पर लेकर, वो कलर वाला कॉन्सेप्ट याद है, पिंक और ब्लू, हाँ, उसको बैक्टीरिया को पेंट कर देते हैं, और अगर पिंक कलर का है तो कौन सा रंग होगा, और अगर ब्लू कलर का है, सॉरी पिंक कलर का है तो कौन सा ग्राम होगा, और अगर ब्लू कलर का है तो कौन सा ग्राम होगा, कौन सा होगा, हाँ, तो बैक्टीरिया को एक स्लाइड पर लेकर इस पे कलर कर देते हैं, और अगर बैक्टीरिया ब्लू दिख गया तो क्या है, ग्राम, और अगर पिंक दिख गया तो ग्राम निगेटिव, तो ग्राम स्टेनिंग होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव, तो आपको ड्रग सिलेक्शन में आसानी रहेगी कि एंटी ग्राम पॉजिटिव ड्रग चलानी है या एंटी ग्राम निगेटिव। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो ज्यादा खतरनाक है, हाँ, या ग्राम पॉजिटिव है तो ज्यादा खतरनाक है। तो आपको यहाँ सीवियरिटी का भी पता चल जाएगा, और आप पेशेंट से कहेंगे कि ऐसा इसको घर लेके मत जाइए, इसको यही एडमिट कर दीजिए, और इनका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दूसरी चीज, आप ग्राम पॉजिटिव एंटी ग्राम पॉजिटिव ड्रग्स नहीं दोगे, तब आपको पता रहेगा कि ग्राम नेगेटिव का है। और अगर, और हम वेट नहीं कर सकते, अगर ग्राम नेगेटिव वाले में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक दोगे तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा उसमें सेल वॉल में, तो इफेक्ट क्या करेगा। तो ये क्या है, क्या करोगे आप, ग्राम स्टेनिंग। दूसरा, आप इसी स्पुटम में एएफबी भी देख लोगे। एएफबी क्या है, एसिड फास्ट बैसिलस। ये कौन सा बैक्टीरिया है, टीबी वाला, एएफबी और टीबी। कहीं इसको टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को टीबी रहता है लंग्स में, बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया अगर अपना एटमॉस्फेयर उसको मिला और सब कुछ ठीक था, तब वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम लो हुआ और वो फिर से इंक्रीज हुआ और उसने जाके एल्वियोला में स्वेलिंग पैदा कर दी, इन्फ्लामेशन करा दिया एल्वियोला में, तो इसको क्या कहोगे, निमोनिया, भले ही टीबी के बैक्टीरिया से हुआ। तो ये निमोनिया किससे हुआ, टीबी के बैक्टीरिया से। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये टीबी के बैक्टीरिया से है, तो ये टीबी की बैक्टीरिया से कराया गया निमोनाइटिस है, इसलिए तो निमोनिया है, लेकिन है टीबी की बैक्टीरिया से, इसलिए क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो एफबी फॉर टीबी कराओगे, माइकोलिक एसिड और पूरी कहानी याद है किसी को, सब शो होता है। फिर बहुत बार क्या होता है कि स्पुटम जाता है, सिम्टम है, और पेशेंट कहता है कि सर मैं दवा खाता हूँ ठीक हो जाता है, लेकिन दवा छोड़ देता हूँ फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, और रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उसको। हो सकता है वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है। आपको लगता है कि निमोनिया होगा, लेकिन आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया डेवलप्ड ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया एएफबी आपको मिल नहीं रहा है। और आप जब, और बाकी जैसे एक होता है जीमसा या मेथेनामीन, अभी मैं बता रहा हूँ, मेथेनामीन सिल्वर स्टेन एक होता है जिसे फंगस पहचाना जाता है, तो वो सब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर स्पुटम मिल रहा है, लेकिन सिम्टम आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि हो सकता है कि ये जो स्पुटम आपके पास जिस दिन भेजा गया, इसमें बैक्टीरियाज के लार्वा हो और वो आपको आपकी स्लाइड पे दिख ना रहे हो, अपने सही रूप में, अपने सही स्ट्रक्चर में ना आए हो। जैसे कोई बच्चा पैदा होगा तुरंत, तो आप उसको देखकर नहीं कह सकते कि ये किसका बच्चा है, अगर कोई बताए ना कि ये उनका बच्चा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे एक दूसरे में नाम पहचाना जाता है और आप उससे रोज रोज मिलते हो, उसकी शक्ल जान जाते हो, तब तो आप जान जाते हो कि अच्छा ये है। वैसे ही बैक्टीरिया जब छोटे होते हैं, जब लार्वा होते हैं, जब डिसअपीयर होते हैं, जब बहुत माइक्रोसाइज में होते हैं, तो आपको स्लाइड पे नहीं मिलते। लेकिन अगर उनको लाकर उनको बड़े होने का एटमॉस्फेयर दीजिए, उनको बड़े होने का न्यूट्रिशन दीजिए, उनको बड़े होने, अगर उनको टेम्परेचर पसंद है तो टेम्परेचर दीजिए, कूल पसंद है तो कूलेस्ट एटमॉस्फेयर दीजिए, तो धीरे धीरे अपने आप को बड़ा कर देते हैं और वो हो जाते हैं धीरे धीरे बड़े। और जब बड़े हो जाते हैं, तब आप उनको जब स्लाइड पे देखोगे, तो स्लाइड पे क्या होगा, दिख जाएगा, जो छोटे होने पर नहीं दिख रहा था, तब आपको स्पुटम क्लियर मिल रहा था। लेकिन आपने 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आपने उसको एक ट्रे लिया, आपने एक ट्रे लिया और इस ट्रे में स्पुटम डाला और यहाँ पर बैक्टीरियाज को खाने वाले बहुत सारी दवाइयाँ डाल दी कि वो उनके लिए न्यूट्रिशन है, बड़ा होने दो उनको, जरा पहचान में आए। और 21 दिन बाद आपने इस ट्रे को फिर से निकाला और यहाँ से फिर से एक सैंपल लिया और स्लाइड पर लगाया और आपको वहाँ पर अब आपको बैक्टीरिया मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर। कल्चरेशन क्या है, एग्रीकल्चर नाम सुना होगा, खेती करना। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की खेती कर रहे हैं, इसमें एक ट्रे की खेत में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर। तो हम लोग स्पुटम में क्या कर सकते हैं, कल्चर, कल्चरेशन कर सकते हैं बैक्टीरिया का, कि जब बड़ा हो जाएगा तो पहचान जाएंगे कि क्या है। जैसे कोई खेत है और उसमें सिर्फ एक हरा हरा इतना छोटा सा एक बाल जैसा पेड़ निकला है, जिसका कोई
लीफ डिवीजन कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा पेड़ है। लेकिन अब आप उसको खाद पानी डालकर थोड़ा बड़ा कर दें, पत्ती आने दें, तो आप पहचान जाओगे कि वो कौन सा पेड़ है। वैसे ही बैक्टीरिया है। तो ये क्या है, कल्चर, एग्रीकल्चर खेती है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरियल कल्चर। हम लोग बैक्टीरिया की खेती यहाँ कर रहे हैं, कल्चर। दूसरा जो मैंने अभी कहा जीन्सा, ये जीन्सा साइंटिस्ट के नाम से है, जीन्सा GIEMSA जीन्सा, और मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन इसको कहा जाता है, और मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन। ये भी स्टेनिंग है, जैसे यहां ग्राम स्टेनिंग था वैसे ये भी स्टेनिंग है। तो इसमें भी रंग, इसमें भी कलर ही किया जाता है, लेकिन इसमें कलर किया जाता है फंगस को। अगर फंगस डेवलपमेंट है तो इसमें फंगस को कलर किया जाता है। अब अगर फंगस, अब बैक्टीरियल स्टेनिंग क्या, जी एक मिनट, बैक्टीरियल स्टेनिंग क्या था, ब्लू और पिंक हो रहा था, लेकिन जब आप फंगस स्टेनिंग करते हैं तो अगर फंगस होता है तो ये ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक स्टेनिंग होता है इनका, फंगस का। और आप जब, जी सिल्वर स्टेन, जीन्सा और मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ये आप यूज करते हैं जब आपको शक होता है कि बैक्टीरिया, आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक चलाए और कुछ असर नहीं कर रहा है उसको, तो आप हो सकता है शक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फंगस है अंदर लंग्स में, और होता है फंगस हो। सोचो अगर कोई आप फंगस ही इनहेल कर गए हो कहीं, तो वो फंगस पहुंच गया लंग्स में, तो वो भी क्रिएट कर सकता है निमोनिया। तो उसकी वजह से अगर है तो उसको देखने के लिए हमें स्टेन कराना पड़ता है, और स्पुटम स्टेन ही होता है, स्पुटम का ही उसको हम स्टेन करते हैं, केमिकल अलग यूज होते हैं उसमें, उसमें कलरेशन उसका आता है ब्लैक या ब्राउन स्टेन का, फंगस दिखेगा, ये फंगस, ये कैसा दिखेगा, ब्राउनिश कलर। जी आप पूछे क्वेश्चन किसका क्या था, ये जो ग्राफ आपने अभी बताया, ये ग्राफ सुपरफिशियल ग्राफ है, ये बिल्कुल अप्लाइड ग्राफ नहीं है। आप हमसे शेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल अप्लाइड ग्राफ नहीं है। मैंने, मुझे पता है मेरी ही लाइन है, कभी मैंने कहा होगा, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ और बहुत सारे लोग बताते रहते हैं ये, लेकिन ये एक सुपर, हाँ लेकिन ये एक सुपरफिशियल ग्राफ है। आप कन्फर्म नहीं कहें, आप बिल्कुल कन्फर्म कभी मत किसी से कहें, और होता भी नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया है, सब ग्राम नेगेटिव से होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्राम नेगेटिव से चेस्ट इन्फेक्शन होगा नहीं, या ग्राम पॉजिटिव से एब्डोमिनल इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सब एक शुरुआती है कि पेशेंट तुम्हारे पास पहली बार आया। जैसे आप घर जाते हो और आप फर्स्ट ईयर में होते हो, तभी से तुम जैसे ही घर जाते हो तुरंत फूफा मौसा मौसिया पड़ोस वाले जुट जाते हैं कि यार मैं पता नहीं घुटने में दर्द होता रहता है, कुछ नहीं होगा तब भी उनको बीमारी आ जाती है तुमको देखते ही। तो अब वहां अगर तुम्हें दवा लिखनी है तो तुम क्या, उनको तुम जीन्सा तो लिख नहीं दोगे कि जाओ फूफा जरा जीन्सा करा के लाओ, तो वहां क्या अटेम्प्ट करोगे। वो बात मैंने बोली थी कि अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो आप ये सोच लीजिए कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चलो हम ग्राम एंटी ग्राम पॉजिटिव ड्रग लिख देते हैं, एक अगर गेस की बात है तो। लेकिन जब आपको कन्फर्मेटरी एज ए डॉक्टर, आपको आईपीडी में पेशेंट एडमिट करके दवा चला रहे हो और आपने 5 दिन दवा चलाई और निमोनिया कंट्रोल नहीं है, तो अब आप अपने उस लॉ पे नहीं चलोगे कि ग्राम पॉजिटिव ही होगा, तब जरूरी है कि आप स्टेन करवाएं। हो सकता है और स्टेन के बाद
तब भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जरूरी कि आप एफबी कराएं। हो सकता है उसको टीवी का बैक्टीरिया हो, और टीवी का बैक्टीरिया आप जानते हैं कि कॉमन एंटीबायोटिक्स नहीं मानता है, उसका माइकोलिक एसिड उसको पार नहीं करने देगा। इसके बाद ही अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है तब आप शक करें कि जीमसा करा लेते हैं एक बार। ऐसा तो नहीं कि इसको फंगस अंदर है और हम एंटीबायोटिक देते जा रहे हैं, तब हमें एंटी फंगल देना पड़ेगा। और हमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन उसको बार बार इन्फेक्शन होता जा रहा है, तब हमें क्या जरूरी है कि कल्चर करवाना है, कि एक बार जरा कल्चरेशन करा लेते हैं बैक्टीरिया। ऐसा तो नहीं कि दिखता नहीं है हमें, हम जरा कल्चर कराएं उसको न्यूट्रिशन दें। तो ये क्या है, स्पुटम टेस्ट। क्लियर? अब तुम लोग बिल्कुल भी घड़ी नहीं देखोगे कि 9 बज गए हैं, क्योंकि क्लास शुरू हुई थी पौने मुझे लगता है 10 कितने बजे से, 8 बजे से क्लास शुरू हुई है। और आज संडे है तो ये भी बहाना नहीं है कि कॉलेज वाले अभी आ जाएंगे। तो एक तो सीवीसी हो गया, दूसरा स्पुटम टेस्ट हो गया, तीसरा है चेस्ट एक्सरे। तो इसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही अब नहीं होगा, बहुत डिस्कशन हो चुका है। ये तो तुम लोगों को बताना चाहिए कि क्या मिलेगा चेस्ट एक्सरे में, क्या मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन ओपेसिटी, वही कंसोलिडेट अगर होगा तो हमें ओपेसिटी मिलेगा। और अगर एक्सरे में हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है तो हम रेडियोलॉजिकली सीटी स्कैन भी करा लेते हैं। तो जो अगर इसमें कुछ छिप गया है तो यहां आ जाएगा सीटी स्कैन में, अपीयरेंस और पैथोलॉजी वही सारा कुछ सब कुछ दिखेगा। तो इस बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्पुटम टेस्ट कराया कि अगर हम लोग यहां का स्पुटम लेंगे तो ये बैक्टीरिया भी साथ में आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सीबीसी कराया। डब्ल्यूबीसी अगर कभी भी बढ़ा है खासकर न्यूट्रोफिल तो उसका मतलब है कि वो किसी के खिलाफ लड़ने गया है, और ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ ही जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग कंफर्म करते हैं। तो ये तो हो गए 3-4 जो कंफर्मेटरी होते हैं और कराना ही कराना रहता है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को और डीडी बनाने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि निमोनिया की जगह पर कुछ और तो नहीं है। जैसे हम लोग क्रिएटिनिन दिखवाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन। अब सीरम क्रिएटिनिन किसके लिए होता है, किडनी की जांच के लिए। अगर किडनी फंक्शन करेगी तो क्रिएटिनिन है टॉक्सिक मटेरियल, और क्रिएटिनिन का निकल जाना ही सही है शरीर से। क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मली ब्लड में 0.121 mg पर डीएल क्रिएटिनिन होना चाहिए, जितना टॉक्सिक मटेरियल होता है। बाकी क्रिएटिनिन किडनी छान कर बाहर निकाल देती है यूरिन के रास्ते से, और क्रिएटिनिन क्या है, टॉक्सिक मटेरियल। अब ये टॉक्सिक मटेरियल 1 mg तक, mg पर डीएल तक शरीर सह लेता है, उतना टॉक्सिक मटेरियल इस पे इफेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक कोई पैथोलॉजी ऐसी हो कि किडनी क्रिएटिनिन को छानना बंद कर दे, और जो क्रिएटिनिन निकाल देना चाहिए था वो क्रिएटिनिन ना निकले, तो अगर किडनी क्रिएटिनिन को छानना बंद कर दे
और किडनी अपना काम बंद कर दे कि मैं अब नहीं छानूंगा, फिल्ट्रेशन नहीं करेगा किडनी, तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है 2 mg हो, 3 mg हो, 4 mg हो, 5 mg हो क्रिएटिनिन, तो ये अब बॉडी के लिए टॉक्सिक है क्योंकि ये जहर है और ये इफेक्ट करेगा, सीवियर इफेक्टिव होगा, हार्मफुल होगा। ये तब होता है जब शरीर बहुत ही सीवियर डीऑक्सीजनेशन से परेशान हो, खासकर जैसे निमोनिया में रहता है। अब अगर डीऑक्सीजनेशन से परेशान होता है तो किडनी को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है और धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। किडनी कहती है कि जब हमें कुछ दिया ही नहीं जा रहा है तो हम ही अकेले सब संभाले क्या, भूखे रहकर काम करेंगे। किडनी काम करना बंद कर देती है, लेकिन अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, किडनी खुद भी मरेगी। और यहाँ लंग्स क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ दिन भी अकोमोडेट किडनी कर नहीं सकती क्योंकि उसको भी डाइट चाहिए। तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और क्रिएटिनिन का बढ़ने का मतलब है कि बहुत सीवियर डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो क्रिएटिनिन टेस्ट कराते हैं। अगर लंग डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं तुम ये कहो कि आपने कहा था रिस्पायरेशन नहीं क्रिएटिनिन बढ़ता है, किडनी डिसऑर्डर अलग है, वहां तो किडनी बढ़े, वहां तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा ही अगर किडनी फेलियर हो गई, यहाँ भी किडनी फेल हो रहा है। कारण क्या है उसका, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, तो वहां क्रिएटिनिन बढ़ेगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से। O2 सैचुरेशन देख सकते हो, O2 सैचुरेशन किससे देखा जाता है, ऑक्सीमीटर से।